मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज अभी बज गए हैं 11 और मैं रेडी हो गई हूँ। बस रेडी होके आज मैं खाना बना रही हूँ, मतलब लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में बना रही हूँ आज शाही पनीर, तो पनीर भी रेडी है। और बल्कि शाही पनीर में मैं डालूँगी थोड़ी सी मटर भी, क्योंकि मम्मी को खाली पनीर की सब्ज़ी पसंद नहीं है, उसमें मटर चाहिए ही चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी मटर भी डालूँगी। और आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में मतलब सब्ज़ी बनाऊँगी, और मतलब आज कोई गेस्ट आने वाले हैं हमारे घर पे, इसीलिए मैं बना रही हूँ मतलब रायता पूरी सब्जी ये सब बना रही हूँ। और कौन आने वाला है, मतलब रानीखेड़ा से आने वाले हैं, मतलब मम्मी की भाभी और मम्मी की भतीजी, मम्मी की भतीज बहू, भतीजे की बहू, बस ये आने वाले हैं। तो उससे पहले मतलब अभी तो कहीं गए हैं, तो उनके आने से पहले मैं जल्दी से लंच की तैयारी कर देती हूँ। तेल में प्याज डाली है और उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं डाला, मोटी मोटी प्याज काट कर वो डालूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर मोटे मोटे ही टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि मैंने तेल में सिर्फ मोटी मोटी प्याज काट के डाल दिया, वो भून रही हूँ, और मोटे मोटे टमाटर काट कर वो भी भून लूँगी। और एक तरफ मैंने पीस लिए हैं काजू, और मोटा मोटा अपना मतलब अपने अकॉर्डिंग आप पनीर भी काट लीजिए। और जब ये हमारे मतलब भून जाएंगे टमाटर और प्याज, फिर हम इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए जो मसाला मैंने भुना था वो पीस के मैंने छान लिया है। ये है पाउडर, मतलब काजू का पाउडर, और ये मटर उबाल दी है कढ़ाई भी गर्म, उसी कढ़ाई में मैं अब छोंक लगा दूंगी और यहाँ मतलब मेरी चाय है, चाय पीऊंगी। यहाँ मैंने पनीर काट दिया है, इसको भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए, इसको वॉश करूंगी। इसको मैं मतलब 2-3 बार वॉश करती हूँ मैं पनीर को। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में बटर और उसमें हल्का सा तेल डाल दीजिए, क्योंकि बटर जल ना जाए इसीलिए हमने हल्का सा तेल डाला है। फिर खड़े मसाले पक जाने के बाद आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, और उसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दीजिए, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। और वो भुन जाने के बाद जो हमने अभी पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर का, आप वो डाल दीजिए और उसको खूब अच्छी तरीके से पका लीजिए। वो पक जाने के बाद आप काजू ले लीजिए, उसमें हल्का दूध डालिए और अच्छी तरह पेस्ट बनाकर मतलब आप इसमें डाल दीजिए और थोड़ी देर पकाइए। फिर इसमें पनीर और मटर डाल दीजिए, फिर हल्का सा मतलब उबलने दीजिए 5-10 मिनट तक, और उसमें फिर आप लास्ट में बिल्कुल मलाई डाल दीजिए। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो मलाई को अच्छी तरह फेंट कर फिर वो डाल दीजिए, और कस्तूरी मेथी फ्राई करके तवे पर फिर वो डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी देखिए शाही पनीर रेडी हो गई है, और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, बट हाँ आपको तो नहीं आ रही होगी, ये देखिए। रियांशु इधर आइयो, और इसमें ताला लगा रखा तो वो खाए, लाइट वाला ताला खाए, आप उसका स्विच करो, वो का सब वाइट कलर का, वो तो उन्होंने मुझे दिया था ना, ले चाहिए क्या? तो उसमें चार्जर दो चार्जर क्या लगा है? चार्जर क्या चार्जर? अरे वो है ना, अरे वो लाइट दादा भाई लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी जलेगा? नहीं ये नहीं जलेगी। अरे इसमें पता नहीं क्या लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, पता है मुझे इसमें नहीं लगेगा। काम बड़ा का कवर ले कॉटन का ले रखा है, कॉटन वो भी ना पसंद आया, कॉटन का कॉटन का नाम है,
यो नहीं कॉटन का कवर ले ले डबल बेड का और फिर उसमें वही गलवा कर ये ऊपर लगा दे यो नहीं वो तो मैं इतनी सुतरी रजाई बड़ी सॉरी यो का क्या है बागसी मतलब चाल हमारा उसका यार तू थोड़ी ना लगा दे ये भाई यार रजाई तो तू मना दी मम्मी वाली बात है मम्मी आए थे ये एक रजाई भाई सेम नाम सारे दीक्षा ने नाम दिल दो रे मारी चलो चलो गणी ना ना मेरे पास चीजा वो किसी ने जरूरत मंद ने दे देंगे बेचारे भला मना ना मैं मनो दिवा पीछे से सही और हमने मेरे मम्मी की कह रही हूं करी तुम ना तू वाला शो होता गए इसने मुझे बेड पे बिछा कर तुम ऊपर सो जाओ कि सही दब जाएगी सही गुड जाएगी ना सही है बिछा ले सो जा वे नीचे बिछा अपना सही हो जाए इससे बतलाई दी गई है अब मेरे जई उड़ के नहीं सो सकती क्यों मेरे सांस गिर जाए फिर क्या उड़ती है कंबल ये बार शुरू रजाई लेके सुबह मैं कंबल में सोऊं अरे कंबल में भी मुंह नहीं ढक सकती स्टॉल नहीं मुंह तो मैं भी नहीं ढक सकती उसने ऐसे रखूंगी मेरा बड़ी गजब काम है सुबह उठूंगी मैं नू बांध के उठूंगी मुंह ने आवाज लगी नाक पर छी 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 ये रुकते हैं सूट को ले रोगा नहीं मिलते ही बता दिए मैडम का सूट एक सूट मंगाया था हां जा कोई कर दिया मैं देखो आ जाएगा आजकल आ जाएगा आज तो ना कल आ जाएगा कौन मैं सूटा के मामले सच मैं वो तू ऐसे ले सिद्धू तो मैं भी हूँ फिर सिद्धू तो मैं भी हूँ हमने बेचारे सुनील के हाँ सुनील के ये इसने तो बस और चाहिए और दे दो इसने तो और उसी में गला दी लहंगा सिलेक्टर वन चली गई मैं इसने सारा दिन थका दिखती और कुछ और इतने सुंदर सुंदर लहंगे मैंने इससे दिखवाए इतने सुंदर सुंदर लहंगे नहीं कुछ और नहीं कुछ और मेरे मम्मी तो रख रहे फोन मगर मैं छोड़ के जानी है ना ये नहीं नहीं अलग से ली थी ये पहले फिल्टर ऊपर था ना तो फिर नीचे लगवाने के लिए ये अलग से ली थी चिमनी यहाँ थी ना पहले यहाँ पर चिमनी बनाया थी हाँ यहाँ बीच में थी ऊपर ही लगवा दी हाँ ये आया कर दिया हाँ चलो ठीक है ठीक है खुश रहो ले लिया काट दिया दूसरा थैला कहाँ गया फूट गया ठीक है ठंड लग जाएगी चल ओढ़ ले रजाई ओढ़ ले अच्छा जी इतना बुरा हाल हो रहा था इसका छाती में तेरा बलगम जम जाता है मैं तो सच्ची मजाक कर रहे हैं बहुत बुरी ठंड लग रही है पिछली बार गर्मियों की बात है गर्मी अब 4 मिनट की हो गई है अच्छा जी ले लेगा बाप ले लेगा बुरा हाल हो रहा है ठंड लग रही है कौन से लत्ते लड़ाई नहीं करना बस मैं लड़ जाता ठीक है कटा और लिकट गया ये मम्मी का भीड़ है ले लिया पानी भी डाल दी दो बोतल चलो भाई
सूट सूट सिलवाना है मम्मी को। अरे नहीं अब डाल देगी काट रखा मम्मी ने सूट। कौन सौरभ नहीं है वो तो पार गया। अच्छा कहाँ क्या करना था पता नहीं गौरव से पूछ ले अंदर है गौरव कहाँ क्या करना था। यो करना है तो क्या जीत तो तैयार लड़े थे तेरे और लड़ाऊं ये तो तैयार हूँ मेरे पास वही से काम कर दे माने साथ के साथ तो सोवे सोचे मैं एक बार करना था वो गर्मियों में छोड़ के उल्टी आ जियो ना वही ठीक है नहीं अभी तो मम्मी सब्जी लेके आएगी ना फिर सूट दिखाऊंगी सूट देके भी आएगी। बाय 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 इसमें दीदी है ना प्लेन सिलवाते हैं लेस लगा के बहुत अच्छे लगते हैं प्लेन में। हाँ हाँ प्लेन में इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। अब ऊपर देखो पेंट पर मैं इसे पेंट पर लेकर वहाँ मेरे देखी ऊपर दो रखे हैं ना स्टाइल देख ऐसे क्या लग रहा है तेरे पास साफ़ किधर आ रहा है ये दीदी इतनी छूट लाते हैं ना कि बचता ही नहीं है हमारे पास फोन को फोन करते रहते हैं टोटल आरकेपुर में देते हैं ना सेक्टर दो सेक्टर तीन सरकारी कॉलोनी में जल्दी आगे भैया भी कहती है अभी कल और भी लेके आओगे क्या डिजाइन है कल तो मार्केट बंद है संडे है संडे को मार्केट बंद रहता है। वो कट्टा पड़ा है तेरा सूट है कौन सा हम चेंज कर देंगे कल नहीं परसों को मंडे को चेंज करेंगे मंडे को चेंज करेंगे कहीं मंडे को मार्केट जाएंगे ना किसी से सारे में कम नहीं है सारे में कम नहीं होगा ना नहीं नहीं ये सही है जो सही होगा ये तो आपने बता दिया नहीं आज का फर्क है आज का फर्क है अरे वो है भैया था टेलर ये दीदी है ना कुर्ते की इससे कम मैंने बेचते हैं ये 390 का मार्केट ही पड़ जाते हैं 380-85 का मार्केट पड़ जाते हैं आप अपना 500 में नहीं बेचेंगे कि कहाँ से होगा तो वो जगह जानने वाले थे हम लेकर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज डिनर में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी और रोटी और हम दोनों मतलब मिलकर बात बात भी कर रहे हैं और मैं फटाफट फिर खाना भी बना रही हूँ। देख मेरा वीडियो बना रहे हैं डांस करने के लिए कर जल्दी कर जीव का भी कर डांस करने का सीख ली अजली राम की सुहाई।
हेलो माँ भी बिजी है बाय कौन सा है एलेक्सा प्ले चंद्रावल Amazon Music पर ये रहा देव कुमार देवा एंड रुचिका जांगिर का फिल्म चंद्रावत देखूंगी। I'm
अपनी साथ में तो पैंट पहन ली। A few moments later. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, you feel alone, you scream so loud. We are in this cruel world. Broken but strong. To move on, you're not a bakery of life. Equip my. What, Sourav? Nair? क्या कहा थे पुआ के लिए किले? दो 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 इकट्ठे करती अपने जैसे एक अर्शी देख रही हैं आज. दोनों सौरभ जैसे. ये न्यू चुप है हाँ. दूध कर लाते हैं उसकी डाला. अब क्या हो गया? नंदनी किस पे गई है? है नंदनी? बता दे. किस पे गया ननु? ये कई होगा मिक्सचर. रोचा चुपा. वो आ गया. ये कौन है? मामा बोलिए. मामा ने बुला लिया. मामा ये लड़ लड़ाई कर रहे हैं. ये बोल बिछा दे बिछा दे. सौरभ कौन लड़ रहा है? कौन लड़ाई ले जा चले जा ले जा बस. और थोड़ी देर खींच जाएंगे भैया के पास. नहीं क्या किया भैया ने? किसका मारे भैया ने? ये डर जागी वो चिल्ली मारे किसका मारे भैया ने? दीदी का मारे भैया की पिटाई होगी. दीदी का